हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम गाइस। मैं आज बात करने वाला हूँ आजाद वीजा के बारे में, यानी कि सऊदी का आजाद वीजा और कतर का आजाद का वीजा। आजाद वीजा यानी कि सऊदी का इतना महंगा क्यों आजाद वीजा और कतर का इतना सस्ता क्यों आजाद वीजा। तो मैं सबसे पहले बात ये करने वाला हूँ कतर के बारे में। अभी मैं इस टाइम कतर में हूँ, तो सबसे पहले मैं कतर की बात करने वाला हूँ। अगर आप कतर आते हो आजाद वीजा में या किसी से भी वीजा लेते हो, कोई भी ऑफिस से वीजा लेते हो या कोई भी कहीं से भी आपको आजाद वीजा मिल जाता है, तो आपको 5,000 से लेकर 7,000 रियाल के बीच में आपका A to Z खर्चा यानी टिकट, मेडिकल और वीजा, यानी कि 5,000 से लेकर 7,000 रियाल के बीच में आपका टोटल हो जाएगा। और सबसे मेन क्या है कि यहाँ वजह क्या है, इतना सस्ता क्या है कतर के अंदर। अगर आप सऊदी का आजाद वीजा लेते हो इंडिया के लिए या तो कहीं के लिए, खास करके मैं इंडिया वालों को बात करूंगा, तो इंडिया के लिए 8,000 से 9,000, 10,000 रियाल, 12,000 रियाल तक आजाद वीजा आपको मिलता है। अगर सऊदी का आजाद वीजा लेते हो तो भाई वहां पर आपको काम सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वहां अगर आप आजाद वीजा में हो या तो आप दूसरे भी कोई आजाद वीजा में हो या कोई भी काम में हो, तो वहां पर आपको काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम आराम से वहां पर सेट हो जाता है सऊदी के अंदर। तो इसके लिए वहाँ का वीजा इतना महंगा है, 10-12 हज़ार रियाल लग जाता है, 8,000 रियाल भी लग जाता है, यानी कि 12,000 रियाल तक लग सकता है। अब अगर आप कतर आते हो तो कतर में सबसे सस्ता वीजा है कतर का आजाद वीजा, यानी कि 5,000 से लेकर 7,000 रियाल तक आपको वीजा मिल जाएगा कतर का। और यहाँ सबसे दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपको रूम ढूंढना पड़ेगा, खुद से काम ढूंढना पड़ेगा। अगर आप किसी से भी आजाद वीजा लेते हो किसी से भी कहीं भी, तो भाई पहले रोम का बात कर लेना उस बंदे से और काम का बात कर लेना। कम से कम 3 महीने का गारंटी ले रहा सामने वाला बंदा आजाद वीजा वालों के लिए, तभी आजाद वीजा लेना। कतर वाले जितने कतर आना चाहते हैं या कतर में रहते हैं या कतर में वीजा लेना चाहते हैं अपने भाई के लिए या दोस्त के लिए, किसके लिए भी लेना चाहते हैं आजाद वीजा, तो 3 महीने के लिए रोम के लिए बात कर लेना, 3 महीने के लिए काम के लिए बात कर लेना सामने वाले ऑफिस से भाई, तभी लेना। क्योंकि यहाँ आने के बाद एक खटिए का भाड़ा 200 रियाल है, 200 से स्टार्ट है, 200 300 400 रियाल महीने का है एक खटिए का। और काम नहीं मिलेगा तो भाई आप खाना कहाँ से खाओगे और रूम का भाड़ा कहाँ से दोगे। अगर ऑफिस रूम भी देता है आपको, काम भी देता है, 3 महीने तक गारंटी ले लेता है, तब वीजा लेना तब आपके लिए बेहतर होगा। या आपके पास पहले से रूम का सिटिंग है, पहले से काम की सिटिंग है, तभी आना कतर में। नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट किसी भी ऑफिस से आजाद वीजा लेकर कतर आ जाते हो तो भाई आप रहोगे कहाँ, खाना कहाँ खाओगे। अगर किसी दोस्त के जरिए से आते हो, किसी फ्रेंड के जरिए से आते हो कि मेरा दोस्त है वहां पर हम रहेंगे उसके साथ में, तो 1-2 महीना वो बंदा रख लेगा, 3 महीना रख लेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं रखेगा। पर आप नए नए हो, कतर आते हो, आपको कोई भी जानकारी नहीं, तो रूम का और काम का 3 महीने का जरूर उस कंपनी में बात कर लेना कि हमें 3 महीने तक आप गारंटी लो। अब बात करते हैं सऊदी की। सऊदी में क्या है, सऊदी में अगर 10-11 हज़ार 12 हज़ार रियाल का भी वीजा आपको मिल जाता है, तो सऊदी का जो भी वीजा है इतना महंगा जरूर है, महंगा सऊदी का वीजा जरूर है आजाद वीजा, पर वहाँ पर आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं। वहाँ पर एक रूम में 6-7 लोग रहते हैं, वहाँ साल का 3,000-4,000, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ रूम का भाड़ा तो 5,000 रियाल साल का है, 5,000 रियाल साल का भाड़ा है सऊदी के अंदर। तो महीने के साल कितना, 6 लोग रहते हैं तो 1,000 रियाल आया तो 6,000 हो गया साल का। तो भाई वहाँ काम नहीं भी मिलेगा ना, तो आप आराम से वहाँ पर 4-8 महीना जितना दिन भी आपको काटना आराम से रह सकते हो आजाद वीजा वाले, फिर आराम मजे काम सेटिंग हो जाते हैं। अगर आपके पास सऊदी में काम नहीं तो फिर भी आपको काम मिल जाएगा 4-5 महीने में, क्योंकि वहाँ पर हमारे इंडियन भाई बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा सऊदी में और काम बहुत आसानी से मिल भी जाता है वहाँ पर आजाद वीजा वालों के लिए। और सिर्फ यही वजह कि वहाँ का वीजा इतना महंगा है, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है, ना काम ढूंढने की ज़रूरत है, ना रूम ढूंढने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ सऊदी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आजाद वीजा वालों को, क्योंकि सऊदी है एक बड़ी कंट्री में है और इसके लिए काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कोई ना कोई काम आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा। रूम सस्ता है, खाना सस्ता है वहाँ पर, हर चीज़ सस्ता सऊदी में, इसके लिए वहाँ का वीजा महंगा है। वहाँ पर पैसा एक बार लगता है पर आप बार बार कमाओगे वहाँ पर सऊदी में। अगर कतर में, कतर का जो रूम है यानी कि एक रूम का भाड़ा 5-6 हज़ार रियाल महीने का है, कतर का 5-6 हज़ार रियाल महीने का है, तो एक बंदे का अगर
5-6 हजार रियाल महीने का है, तो उस रूम में रहने वाले कम 8-9 लोग रहते हैं, किसी का 400 आता है, किसी का 300 आता है, मतलब उसी हिसाब से हो जाता है। तो भाई अच्छा वीजा देख के आना, अच्छी कंपनी में आना और अच्छे आजाद वीजा में आना। और कतर के अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदा है, आजाद वीजा में काम बहुत है और हर चीज़ आपको यहाँ पर फायदा है, ऐसा नहीं कोई भी चीज़ दिक्कत है। यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा कतर में, जिस तरीके से सऊदी में काम बहुत ज़्यादा है आजाद वीजा वालों के लिए, उसी तरीके से कतर के अंदर आजाद वीजा वालों के लिए काम बहुत है। यहाँ पर वीजा सस्ता है, 6-7 हजार रियाल का वीजा कतर का, पर यहाँ पर रूम का भाड़ा बहुत महंगा है, खाने का जो भी होटल में खाओगे या रूम पर बना के खाओगे वो भी बहुत महंगा आपको पड़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर पहले काम सेटिंग करें, रूम सेटिंग करें, तभी आजाद वीजा में कतर आए, नहीं तो भाई आप फंस जाओगे, तो आप रिटर्न चले जाओगे। 5-6 लाख-8 लाख रुपया लोग लगा के आते हैं कतर, तो भाई ये सब सोच के आना, क्योंकि रिटर्न ना जाना जाना पड़े। तो भाई यही सब जानकारी रही, अगर हमसे वीजा लेते हो आपको तो हम काम ही दिलाएंगे आपको, और 3-4 महीने गारंटी भी लेंगे सैलरी की भी, और यहाँ तक रूम भी दिलाएंगे। जो भी काम में आना चाहते हो, कारपेंटर का हो, ड्राइवर का हो, या घर पेंटर का हो, या वेल्डिंग का, कोई भी काम में अगर आप आना चाहते हो कंपनी में, कंपनी का भी काम दिलाएंगे आपको। अगर आप आजाद वीजा में भी आना चाहते हो तो आजाद वीजा में भी सारी गारंटी हम लेंगे, 3-4 महीने तक काम का भी गारंटी लेंगे, रूम का भी गारंटी लेंगे। अगर आपको काम नहीं मिल रहा 3-4 महीने के बाद, आप उसके बाद कहीं पर भी सेट हो जाते हो, यानी कि काम नहीं मिलता है फिर भी उस कंपनी में आप 3-4 महीने के बाद भी काम कर सकते हो। अगर काम मिल गया तो आप जा सकते हो कोई भी टाइम, कोई भी मुश्किल नहीं। तो गाइस ये रही छोटी सी जानकारी, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि भाई बहुत से हमारे भाई हैं और सऊदी का आजाद को आजाद वीजा को लेकर जानकारी जानना चाहते हैं और कतर का। तो भाई यही वजह है कि सऊदी का आजाद वीजा इतना महंगा है और कतर का आजाद वीजा इतना सस्ता है। यहाँ पर रूम महंगा है, खाना भी महंगा है यहाँ, यानी कतर में हर चीज़ आपको महंगा है और सऊदी में हर चीज़ आपको सस्ता है, हर चीज़ रूम भी सस्ता है, खाना भी सस्ता है, कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो भाई जो लोग आना चाहते हैं कतर में आजाद वीजा में, हमसे संपर्क कर सकते हैं, या जो लोग कतर में रहते हैं जिनके पास काम नहीं है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और किस तरीके से वीजा पाएँ या किस तरीके से वीजा निकालें वो भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले में बताएंगे किस तरीके से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा गाइस मेरा गला बैठ गया वीडियो बनाते बनाते, तो ये रही छोटी सी जानकारी।